हेलो गाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ब्लॉग सच में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज मैं जा रही हूँ बहुत ही अच्छी लोकेशन पर। तो लोकेशन क्या है ये मैं आपको लोकेशन पर पहुँचने के बाद बताऊँगी। और जो भी मतलब आप ये जल्दी जल्दी अपना सामान पैक कर लो खाने पीने का वक्त। वैसे तो खाने पीने की भी ज़रूरत नहीं है, पैक करने की सब कुछ मिलता है। तो आज मैं कहाँ जा रही हूँ मैं अभी आपको बताने वाली हूँ लोकेशन पर पहुँचने के बाद। तो आप चलें मेरे साथ पर जल्दी जल्दी घूमने के लिए। तो अभी आ गए हम यहाँ पर भूतेश्वर चौराहे, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ट्रेन जा रही है। हाँ, सीधा चलना है, आराम से आराम से आराम से सीधा चलना है भाई। आज तो पुलिस वाले हैं, हेलमेट गिर गया मैडम का। तो ट्रेन जा रही है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर छुक 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 छुक। और गाइस, जिनको भी मथुरा वालों को लोकेशन नहीं पता है तो मैं लोकेशन यहाँ बता रही हूँ आप लोगों को। आपको आना है पहले भूतेश्वर और उसके बाद में जाना है जन्मभूमि वाले रास्ते पर सीधे। और अभी हम चल रहे हैं जन्मभूमि वाले रास्ते पर सीधे, तो मज़ा आने वाला है आज, तो मस्त होने वाला है आज का ब्लॉग। और आज आप देख सकते हैं मौसम बहुत ही सुंदर हो रहा है। ये है, ये एक मैरिज होम है, यहाँ पर शादियाँ होती हैं। जन्मभूमि से बिल्कुल सीधा वाला रोड है, इसी पे आपको जाना है। तो मैं जा कहाँ रही हूँ तो मैं आपको बता ही देती हूँ कि मैं जा रही हूँ आज महाविद्या कॉलोनी में, जहाँ पर लगा हुआ है बहुत ही सुंदर सावन का मेला। और मेले में जाऊँगी आज मैं बड़े वाले झूले पे झूलने। तो साथ में जा रहे हैं हमारे पति देव जी, जो कि चला रहे हैं स्कूटी। आज मैंने स्कूटी इनको पकड़ाई है कि मैंने कहा आज आप स्कूटी आप चलाओगे और मैं आज मस्त सा ब्लॉग सा सुंदर सा ब्लॉग बनाऊँगी। तो ये हमारे पति देव जी चला रहे हैं स्कूटी, जैसा कि आप देख सकते हो मिरर में, मिरर हो रहा है गंदा। और बारिश का मौसम में है, शाम के बज रहे हैं 6 और मौसम तो इतना मस्त है ना कि क्या ही बताऊं। तो ये आ गई हमारी बिल्कुल नियर बाय जन्मभूमि, जैसे मैंने आपको बताया था कि जन्मभूमि वाले रास्ते पर सीधे चलना है। ये जन्मभूमि वाला रास्ता हमारा, तो यहाँ पर कुछ काम चल रहा है। और आपको पता है भाई जन्माष्टमी आने वाली, तो सभी को हैप्पी जन्माष्टमी एडवांस में। ये जन्मभूमि, तो इसी रोड पर आपको सीधे जाना है अग्रसेन चौराहे तक। तो फाइनली गई आ चुका है यहाँ पर अग्रसेन चौराहा, और यहाँ से लेना है हमें लेफ्ट की तरफ, ठीक है। ये हमारा अग्रसेन चौराहा, ये तो ये हमारे यहाँ की गुरुद्वारा है, ये गुरुद्वारा है, ये गुरुद्वारा है आगरा, ये हमारे यहाँ का गुरुद्वारा। तो फाइनली गाइज, जो अग्रसेन चौराहा है उससे आपको बिल्कुल सीधे नहीं जाना, लेफ्ट हैंड पे मुड़ना है। और उसके बाद में आपको 2 या 3 किलोमीटर की दूरी पे ये आपको मेला दिख जाएगा। तो ये है भाई झूला, तो स्टार्ट हुआ ही नहीं है ना, चक्कर क्या है, मेला स्टार्ट नहीं है क्या अंदर? भैया अंदर पार्किंग है क्या? पार्किंग का क्या चार्ज है? चल अंदर ही लगा लो। स्टार्ट तो हुआ नहीं अभी, कब होगा स्टार्ट? तो झूले क्यों नहीं चल रहे? चलेंगे अभी, कोई बात चलेगा अभी। तो ये लगा ली हमने यहाँ पार्किंग 20 रुपए में, ठीक है भाई, ज़्यादा नहीं है, सुरक्षित। कीचड़ हो गई यहाँ, लगाओ उधर, कीचड़ हो गई थी ना, चलो लगा दो कहीं भी लगा दो, मैं उतर जाती हूँ, रुको। फाइनली गाइज, हम आ चुके हैं मेले में, और मेला वाकई में बहुत ही सुंदर लगा हुआ है, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हो, वाकई में बहुत सुंदर मेला है। और मथुरा वालों जल्दी जल्दी आ जाओ मेला खत्म होने से पहले, तो मैं आपको यहाँ दिखाने वाली हूँ क्या क्या सामान यहाँ पर मिल रहा है। तो जो भी हमारी घरेलू महिला है ना, तो उनको तो भाई ये चाहिए ही चाहिए, जैसे मैं भी ना इनको देख के पागल हो गई, मैंने कहा मैं लेके ही जाऊंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये कितना सुंदर सुंदर ग्लास है कांच के, यहाँ पर मतलब जो भी कांच का जो भी सामान होता है ना, बड़ा ही सुंदर सुंदर दिख रहा है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। और कप तो वाकई बहुत ही सुंदर है। तो भाई जल्दी जल्दी आ जाओ, हम भी लेके जाएंगे ना यहाँ से, हम भी लेके जाएंगे ना सामान, और अपने बच्चों को लेकर आए साथ में, क्योंकि बच्चे देख के पागल हो जाएंगे। जैसे अगर हमारे चिंकू पिंकू होते ना, तो ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, यही करते रहते हैं ना। अब एक हमारा छोटा और हो गया है कुछ तो ये देखिए आप बच्चों को लेकर आए यहाँ पर, और ये यहाँ पर किंग है, किंग रिंग्स, रिंग्स यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर है। बहुत भीड़ लगी हुई है, और भीड़ लगने वाली है कि शाम का टाइम है अभी, तो
भाई जल्दी जल्दी आ जाओ। ये आप अपने घर के डेकोरेशन के लिए सामान ले सकते हो, मेला छोटा मोटा नहीं है, मेला बहुत बड़ा है भाई, मजा आ गया। और लड़कियों अगर आपको खरीदनी है अपनी प्यारी प्यारी फिर हील्स तो यहाँ पर आए और खरीदे मजे से, बहुत ही सुंदर सुंदर हील्स है। और अगर आपको बैग लेने हैं शॉपिंग वॉपिंग के लिए तो वही ऐसा लग रहा है जैसे छोटा दिल्ली यहीं आ गया हो मेले में, तो बहुत ही सुंदर मेला है। और अगर किसी को चाहिए अपने और भी सुंदर सुंदर दुकान है यार, आप लोग जल्दी जल्दी आ जाओ भाई, मथुरा वाले ख़त्म होने से पहले, सामान ख़त्म ना हो जाए उससे पहले आ जाओ। और झूमर बड़ी सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी है, पैसे होने चाहिए, पैसा होना चाहिए। देखो ये है झूला, काफ़ी बड़ा है ना, बड़ा है ना, बड़ा है। मजा आने वाले हैं आज भाई। ये देखिए यहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर इयर रिंग्स भी हैं, देखिए आप यहाँ तो ये दिखा रहे हैं हमें, ये हमारे मथुरा वासी भाई चिल्लर पार्टी। और जिसको भी मेरी तरह झूलों का भाई दीवाना है ना तो वो तो यहाँ जरूर आए, छोटे बच्चों के भी यहाँ बहुत सारे झूले हैं। ये देखिए एक गेरा मिक्की माउस वाला झूला, और अब मैं झूलने जाऊंगी भाई वो वाला झूला मैं। और हाँ एक और बात, जो हमारे हस्बैंड जी पहली बार झूला झूलेंगे तो जो भी पहली बार झूला झूलता है ना उसका एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊंगी। बचपन में झूले थे बहुत छोटे छोटे, उससे क्या होता है, हाँ तो बचपन में झूले थे ना, अभी झूलेंगे अब तो वही मेन की जो हालत होने वाली है। मुझे पता है कि बड़े बड़े वाले झूले में ना अच्छे अच्छों की हालत खराब हो जाती है, ये क्या चीज़ है। आज मैं इनको लेके चलूंगी, नेक्स्ट टाइम ना मैं पलवल में गई थी ये नहीं झूले थे, मुझे बोले मैं नहीं झूलूंगा क्योंकि मेरा मन नहीं है, अब लेके मुझे पता चला इन्हें डर लगता है, तो मजा आने वाला है बहुत ज्यादा। तो फाइनली गाइस आज यहाँ आने वाला है बहुत ज्यादा मजा, क्योंकि आज हम झूलने जा रहे हैं अपने पति देव के साथ, और पति देव की हालत होने वाली है बहुत ज्यादा खराब, तो झूला हम लेंगे अब यहाँ पर टिकट, पति देव जी का मुंह बन रहा है, मना कर रहा मैं नहीं झूलूंगा तू जा, मैंने कहा नहीं इस बार तो आपको लेके ही जाऊंगी। तो गाइस हमने ले चुके हैं यहाँ पर टिकट, तो दो टिकट है यहाँ पर, एक टिकट 5 रुपए की है, तो अगर आप आओ तो यहाँ पर आप 5 रुपए की आपको यहाँ टिकट मिलेगी। तो आने वाला है बहुत तगड़ा मजा, तो भाई हाँ कैसा लग रहा है, बढ़िया मजा है। अभी क्यों भी रुको, अभी आप घूमोगे ना जब आपको पता चलेगा, बहुत बढ़िया मजा आया, चलते कह रहे बहुत बढ़िया मजा आया, हम चलते हैं पापा। फाइनली मैं बैठ चुकी हूँ झूले के अंदर और मैंने बिठाया अपने पति को, उनकी होने वाली हवा डाली, आए आओ इनको लगने वाला है डर क्योंकि अब हम आ चुके हैं आसमान में, इनकी स्माइली। मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगता बड़े वाले झूले में क्योंकि मैं बचपन से झूलती आई हूँ। झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, इनको डर है। और भाई मथुरा आपको दिखाने वाली हूँ मैं, ऊपर से बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है ऊपर से हमारा मथुरा। फाइनली गाइस हम बहुत ऊंचे हैं, नीचे आते तो क्या फील होता है ये बताओ, चलो नीचे आते तो ऐसा फील होता है, इनका इनके चेहरा देखना। अरे यार ये जो झूला रहा है डर तो है, इस पापी के पीछे कुछ तो बात है। देख लो इनको ना डर लगने लगा, कह रहा पकड़ लो मेरा फोन, पता झूल जाए सर। ये देखो मैं ब्लॉग भी बना रही हूँ, मतलब मैं ब्लॉग भी बना रही हूँ तो मुझे डर नहीं है, बिल्कुल डर भी नहीं लग रहा है। ये देखो आप देख रहे हो जरा, बोला भी नहीं जाता, मजा आ रहा है, लेकिन जो भी है ना भाई निधि तू होती ना तो और भी मजा आते है ना। चल तुझे जन्माष्टमी पर झूला झुलाऊंगी मैं, आ जाओ जल्दी जल्दी, अब मैं इनको वीडियो भी नहीं बनवा सकती इनसे क्योंकि इनको डर लग रहा है। ये देखिए बहुत आने वाले मजे भाई, अरे इसकी बहन की मजे मजे।